Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty. So friends, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है महिलाओं को पीरियड्स के दौरान क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए के टॉपिक से, क्या महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. ग्रीन टी पीने से क्या पीरियड्स में देरी होती है या फिर ग्रीन टी पीने से पीरियड्स के दौरान क्या ब्लड का जो बहाव है वो कम होता है, और बात करेंगे ग्रीन टी के फ़ायदों के बारे में और ग्रीन टी के नुकसान के बारे में कि अगर आप पीरियड्स के दौरान ग्रीन टी का सेवन करते हो तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर कितना ज़्यादा ये नुकसानदायक है. तो वीडियो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल है, एंड तक देखिएगा. वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा. तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस यूज़फुल टॉपिक पर फुल डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ग्रीन टी पीने से पीरियड्स में देरी होती है या नहीं इस बारे में बात करें तो ग्रीन टी हार्मोनल स्तर को प्रभावित करता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन स्तर और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है. ग्रीन टी पीरियड्स के दौरान एंथन को भी कम करता है, इसलिए अगर कोई महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो वह एक दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी का सेवन कर सकती है. ग्रीन टी पीरियड फ्लो को कम करती है या नहीं, तो पीरियड के दौरान ग्रीन टी पीने से ब्लड का जो बहाव है वो धीमा हो जाता है और खून में आयरन के स्तर को भी कंट्रोल करती है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखती है. ग्रीन टी का सेवन फिर भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, आपको इसका सेवन दिन में 1 से 2 कप ही करना चाहिए. ग्रीन टी के अधिक सेवन से कैफीन के स्तर में वृद्धि होती है और यह ब्लड के प्रवाह में बाधा पैदा कर सकता है और एंथन भी बढ़ा सकता है. तो अब हम बात करें कि क्या ग्रीन टी पीरियड क्रैम्प को कम करती है. तो यदि आप अपने पीरियड्स में हैं और कठिन मासिक धर्म की एंथन से गुजर रही हैं तो आप गर्म पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इन पेय पदार्थों में कैफीन नहीं होना चाहिए क्योंकि कैफीन एंथन के स्तर को बढ़ा सकता है, इसलिए ग्रीन टी जिसमें कैफीन की कम से कम मात्रा है लेना चाहिए. ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी होती है और गर्भाशय को शांत करती है, जिससे आपकी बॉडी को सही तरीके से काम करने में हेल्प मिलती है. ग्रीन टी भी कैफीन की मात्रा को कम करने में मदद करती है और कैफीन की मात्रा कम करने से एंथन कम होती है. पीरियड्स के दौरान ग्रीन टी के फ़ायदों के बारे में बात करें तो ग्रीन टी नियमित रूप से पीने से मासिक धर्म की एंथन को कम करने में मदद मिल सकती है. ग्रीन टी पीरियड्स के दौरान सुचारू रक्त प्रवाह को भी बढ़ावा देती है. अगला जो इसका बेनिफिट है, ग्रीन टी एस्ट्रोजन लेवल को कम करती है जिससे पीरियड्स शुरू होते हैं. ग्रीन टी पीरियड्स के दौरान मूड को बढ़ाने में भी मदद करती है, इसमें थीनिन होता है जो आराम के प्रभाव को प्रभावित करता है. ग्रीन टी के सेवन से शरीर में कैफीन की मात्रा कम हो जाती है और यह मिडलिंग को भी कम करता है. ग्रीन टी पीने से आप मासिक धर्म के समय हाइड्रेट रहते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है. अगला जिसका बेनिफिट है, ग्रीन टी शरीर में मौजूद टी कोशिकाओं को उत्तेजित करने में मदद करती है जो प्रतिरक्षा में सुधार के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. ग्रीन टी खून में आयरन के स्तर को भी कंट्रोल करती है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखती है. बात करते हैं पीरियड्स के दौरान ग्रीन टी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में. पहला जो साइड इफ़ेक्ट है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बढ़ाता है. अगर ग्रीन टी का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो यह महिलाओं में पीरियड्स के दौरान प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बढ़ा सकता है. पीएमएस में वृद्धि से शरीर में जलन, सिरदर्द, मिजाज, पेट में दर्द आदि हो सकते हैं, इसलिए ग्रीन टी का सेवन केवल 2 कप तक ही सीमित मात्रा में रखना चाहिए. अगला जो साइड इफ़ेक्ट है, एंजाइटी को बढ़ाता है. मासिक धर्म के दौरान शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, ये विभिन्न परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं और एंजाइटी उनमें से एक है. ग्रीन टी के भीतर कैफीन की मात्रा रक्त वाहिकाओं को प्रतिबंधित करती है और स्ट्रेस को बढ़ाती है, यह एंजाइटी की घटना को बढ़ाता है. अगला जो साइड इफ़ेक्ट है, ब्रेस्ट टेंडरनेस का कारण बनता है. पीरियड्स के दौरान ग्रीन टी का सेवन 3 से 4 कप से ज़्यादा अगर किया जाए तो इससे ब्रेस्ट में कोमलता आ सकती है,
जिससे गांठ के रूप में ब्रेस्ट के अंदर लिक्विड पदार्थ भर जाता है। ग्रीन टी डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। अगला जो साइड इफेक्ट है, आयरन की कमी। यदि मासिक धर्म के दौरान बड़ी मात्रा में ग्रीन टी का सेवन किया जाए तो आयरन की कमी हो सकती है। चूंकि यह शरीर को पूरी तरह से आयरन को अवशोषित करने की अनुमति नहीं देता है और एनीमिया का कारण बनता है और मासिक धर्म चक्र को भी प्रभावित करता है, इसलिए ग्रीन टी के कई फायदे हैं और अगर सही मात्रा में लिया जाए तो मासिक धर्म के दौरान भी यह फायदेमंद होती है। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।